गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अगेन दिस चैप्टर रैट ट्रैप। माई नेम इज़ एडला विलियमसन, सेड द यंग गर्ल। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन अ फर्स्ट टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम अस होम टू अस। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मेरा नाम एडला विलियमसन है, युवती ने कहा। मेरे पिताजी ने घर आकर कहा था कि आज रात को आप भट्टी के पास होना चाहते हो, तब मैंने आकर आपको घर ले जाने की आज्ञा मांगी। मुझे बड़ा दुख है कि कैप्टन कि आप इतने मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपनशेटनेटली विद हर हैवी आइज and then she noticed that the man was afraid either he has stolen something or else he has escaped from jail। कि उसने कैप्टन की तरफ बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति से अपनी भारी आंखों से देखा, तब उसने देख लिया कि यह आदमी डरा हुआ है, या तो यह कुछ उसने चुराया है या वह जेल से भागकर आया है। कि she thought and added quickly, उसने सोचा और फिर जल्दी से कहा, कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came, only please stay with us over Christmas Eve। आप विश्वास रखें कैप्टन, जिस स्वतंत्रता से आप आएंगे वैसे ही आपको हम जाने देंगे। आप सिर्फ क्रिसमस की शाम हमारे साथ रहिए बिताइए। She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have left confidence in her। उसने इतने मैत्रीपूर्ण यानी कि इतनी मित्रतापूर्वक उसने यह कहा कि चूहे दानी की फेरी वाले को उस पर विश्वास हो गया था। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। मुझे ये कभी नहीं लगा कि आप खुद आने का कष्ट करेंगे मिस, उसने कहा, मैं अभी चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बॉ, थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। उसने समूर का कोट स्वीकार कर लिया जो उसे नौकर ने झुक कर दिया था। उसे अपने गुदड़ियों पर पहना और युवती के पीछे पीछे बाहर घोड़ा घाड़ी की तरफ चल पड़ा। हैरान हुए लोहार की तरफ उसने एक नज़र भी नहीं डाली। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मोनर हाउस ही हैड एविल फॉर बॉर्डिंग्स, लेकिन जब वह सामंत की घर की तरफ जा रहा था तो उसको पहले से ही बुराई का आभास होने लगा। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलो मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। मैंने उस आदमी को धन क्यों लिया, उसने सोचा, अब मैं फंदे में फंस गया हूँ और इससे कभी भी बाहर नहीं आ सकूँगा। मतलब जो उसने पैसे चुराए थे 30 crowns, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि उसने ये गलती क्यों की, क्योंकि वो फंसता जा रहा है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगली शाम क्रिसमस की शाम थी। वैन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब लोहपति नाश्ता करने के लिए कमरे में आया। He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। तो उसने अपना मतलब नाश्ता करने के लिए आया तो उसने अपने सेना के पुराने साथी के बारे में उसे सोचकर संतोष हुआ जिसे वह संयोगवश मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी ऑन द टेबल, एंड देन we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। पहले तो हम ये देखेंगे कि कुछ मांस उसकी हड्डियों पर चढ़ जाए, उसने अपनी बेटी से कहा कि वो बहुत कमज़ोर है, थोड़ा सा मोटा हो जाए। वो मेज पर भोजन लगाने में व्यस्त थी और फिर हम ये देखेंगे कि वह चूहे दानियाँ उपनगरों में बेचते किससे के बजाय कुछ और काम कर सके। मतलब चूहे दानी जो वो बेच रहा है उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसके अलावा कोई और काम कर सके। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man, that is he।
यह बात बहुत अजीब है कि उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, बेटी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि कल रात उसमें ऐसी कोई बात थी जिससे पता लग सके कि वह कभी शिक्षित व्यक्ति था, मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी वह एजुकेटेड इंसान भी था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम्हें थोड़ी शांत रखो, तुम थोड़ा धीरज रखो, उसके पापा ने कहा। एज सुन एज हर गेट्स क्लीन ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जब वो नहा धोकर तुम्हारे सामने आएगा कपड़े पहनकर ढंग से, तो तुम्हें उसके अंदर कुछ अलग दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, आवारा गर्दी के लगभग सभी लक्षण उसके कपड़ों के उतरने के साथ ही खत्म हो जाएंगे। जस्ट ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। जैसे ही उसने कहा, दरवाज़ा खुला और वो जो अजनबी था वो घर के अंदर आया, कमरे के अंदर आया। अब वह सचमुच बहुत साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथ हिम कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम, मतलब जो उसका नौकर था उसने उसको नहला दिया था, उसकी शेविंग कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू दैट आयरन मास्टर। अब वो ऐसे कपड़ों पहन रखा था, बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे कि लोहपति का था। ही वॉर अ वायर शर्ट एंड अ स्ट्रेच कॉलर एंड अ होल शूज़, उसने वायर शर्ट और एक अच्छे कॉलर वाले बढ़िया शूज़ और उसने पहनकर तैयार होकर वो आया था। बट ऑल दो ही गेस्ट वॉज नाउ हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल गोम्ड, द आयरन मास्टर नॉट सीम एक प्लीज्ड। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, बट दैट नाउ वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंसेस। लेकिन जब मेहमान का इतने अच्छे तरीके से श्रृंगार हुआ था, लोहपति बहुत खुश दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने उस आदमी की तरफ माथे पर शिकन डालकर देखा और ये बात आराम से समझ में आ सकती थी कि उसने अब उस अजनबी को भट्टी के धीमे प्रकाश में देखा तो उससे गलती लग सकती है। लेकिन अब वह जब दिन की तेज रोशनी में खड़ा था तो उसने अपना पुराना जानकार समझने की गलती करना मतलब असंभव था, मतलब जिसे वो जो समझ रहा था उसे वो लगा कि ये शायद वो नहीं है, मैंने शायद रात को जब इसको देखा तो उससे कोई ना कोई गलती हुई है। ठीक है, इसके बाद है, व्हाट डज दिस मीन ही थंडर्ड, इसका क्या मतलब है, वह गरजा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, अजनबी ने छुपाने की कोई कोशिश नहीं की, वह जल्दी से ही समझ गया कि महिमा का उसका अंत आने वाला है। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर ही सैड, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग, मैंने कभी गरीब बेचने वाले के अलावा कुछ होने का दावा कभी नहीं किया, प्रिटेंडेड यानी कि किसी चीज़ का दावा। बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लेड एंड बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, कि मैंने आपसे प्रार्थना तथा अनुरोध किया था कि मुझे भट्टी के पास ही खड़ा रहने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, ज़्यादा से ज़्यादा बुरा यही हो सकता था कि मैं अपने गुदड़ को दोबारा से पहन लूँ और यहाँ से चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट एंड आइदर यू मस्ट एडमिट दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। ठीक है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए लोहपति ने कहा, यह पूरी ईमानदारी भी नहीं थी, आपको यह मानना होगा, तथा मुझे हैरानी नहीं होगी कि इस बारे में शासनाधिकारी भी अपनी राय देंगे। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, आवारा घुमक्कड़ ने एक कदम आगे बढ़कर मेज पर मुक्का मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माई आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर ही सेड, मैं अब आपको बताता हूँ कि लोहपति असली बात क्या है। मैं बोला, दिस हॉल वर्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ये सारा संसार कुछ भी नहीं है सिवाय चूहेदानी के अलावा। ऑल दी गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज राइड्स एंड बिट्स ऑफ पॉक सेट आउट ऑफ ड्रैग अ पुअर फेलो इन टू ट्रबल,
वे सब पनीर, सुअर के मांस और चमड़े के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं हैं, जो कभी भी किसी बेचारे आदमी को मुसीबत में खींचने के लिए लगाए जाते हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ कॉर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। कि अगर मतलब ये है कि अगर आप नगर शासनाधिकार मुझे आकर जेल में बंद कर देता है तो आप भी याद रखिए लोपति कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि आप सुअर के मांस के बड़े टुकड़ों को पाने की चाहत करोगे और आप फिर खुद फंसते चले जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लोपति हंसने लगा। दैट वॉज सो बैडली सैड माई गुड फेलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन। ये जी कोई गलत बात तो नहीं कही मेरे दोस्त, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आज हम शेरिफ की बात छोड़ देते हैं, जितना जल्दी हो सके अब यहाँ से निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, डॉटर सेड, आई थिंक ऑट टू स्टे विद अस टूडे, आई डोंट वॉन्ट टू हिम टू गो, एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। लेकिन ठीक उसी समय जब उस आदमी ने दरवाज़ा खोल रहा था, बेटी बोली, मेरे विचार से आज उसे हमारे साथ रहना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि वह चला जाए, और ये बोलकर दरवाजे को उसने बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, तुम संसार में क्या कर रही हो, उसके पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich। वो बहुत शर्मीली थी, वो बहुत मतलब शर्माती हुई और बहुत मतलब उसने शक्ति से, अपनी अंदरूनी शक्ति से उसने ये आंसर दे दिया कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं क्रिसमस की संध्या इसके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए दूंगी, क्योंकि ये बहुत भूखा है। She could not get away from the idea all at once and was वश वाय शी हैड इंटरक्रेडिड फॉर द वेगा बॉन्ड, इंटरसेडिड फॉर द वेगा बॉन्ड। इसमें ये कह रही है कि इस विचार को वह एकदम से नहीं छोड़ सकती, और वह यही वह वजह थी कि उसने उसे आवारा के लिए प्रार्थना की थी। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंज हेयर दैट द यंग गर्ल ही वॉक्स and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home। मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवती ने कहा। वह पूरे वर्ष घूमता रहता है, लेकिन संभवतः पूरे इलाके में कोई जगह नहीं जहाँ पर उसका स्वागत हुआ हो और वह घर जैसा अनुभव कर सके। Whenever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। कि जहाँ पर भी वो जाता था वहीं से उसे भगा दिया जाता था, हमेशा वह पकड़े जाने तथा सवाल पूछने से डरता रहता था। मैं चाहती हूँ कि वह शांति से हमारे साथ यहाँ पूरे साल में सिर्फ एक दिन खुशी मनाए। द आयरन मास्टर मंबल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू पॉज हर। लोपति ने अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया, अपनी बेटी का विरोध करने का उसका मन नहीं हुआ। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यू, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे हनुमान, ए ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क टू कम हेयर एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर। निसंदेह यह गलती की वजह से हुआ है, वो आगे बोले, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे मनुष्य को नहीं भगाना चाहिए जिसे हमने यहाँ बुलाया है और हमने उसे क्रिसमस की खुशी देने का वादा किया है। मतलब कि पहले तो हमने उसको बुला लिया कि तुम हमारे साथ एंजॉय करोगे, लेकिन अब हम उसको भगा दें। यू टू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, तुम्हारा उपदेश तो पादरी के उपदेश से भी ज़्यादा बुरा है, सेड द आयरन मास्टर, लोपति ने कहा। आई ओनली होप यू वॉन्ट टू हैव टू रिग्रेट दिस, मैं तो इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि इस पर तुम्हें पछताना नहीं पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लैंड हिम अप टू द टेबल। युवती अजनबी का हाथ पकड़ कर उसे मेज पर ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब बैठ जाओ और खाना खाओ, वह बोली, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसका पिता मान गया था।
The man with the red trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. चूहे दाने वाला आदमी कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ बैठ गया और खाना खाकर खाने लगा। युवती की तरफ वह बार बार निहार रहा था। टाइम टू टाइम शी ही लुक एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, मतलब जिसने उसकी तरफ से प्रार्थना की थी। वाई हैड शी डन इट, वट कुड द क्रेजी आइडिया फॉर बी, कि उसने ऐसा क्यों किया, विचित्र विचार क्या हो सकता था। After that Christmas Eve at Ram's Joe passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. मतलब इसके बाद राम्स जो में क्रिसमस की पूर्व संध्या हमेशा की तरह बीत गई। अजनबी व्यक्ति ने कोई परेशानी नहीं दी क्योंकि वह सोता ही रहा। इसके बाद है एंड हॉल फॉर नोन ही लेज ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच एट नोन दे वॉक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, कि पूरे पहले पहर तक पर वह मेहमान कमरे में एक सोफे पर लगातार सोता रहा। उन्होंने उसे दोपहर में जगाया ताकि क्रिसमस का स्वादिष्ट खाने में वह अपना हिस्सा प्राप्त कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। इट सीम्ड एज थॉट फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट राम्स जो, लेकिन इसके बाद वह फिर से सो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा कि कई सालों में इतनी शांति और इतनी अच्छी नींद, इतनी मतलब कि सेफ नींद कभी नहीं सो सका था वह जितना यहाँ राम्स जो में है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वॉक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज थॉट द कैंडल लाइट हर्ट हिम बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, कि शाम को क्रिसमस पेड़ पर जब रोशनी की गई तो उन्होंने उसे फिर से जगाया। आँखों में ऐसा झपकाता रहा जैसे मोमबत्ती की रोशनी से उसे कोई तकलीफ हो रही हो। टू आवर्स लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज। इसके बाद वह फिर से गायब हो गया। दो घंटे के बाद उसे फिर से जगाया गया और तब उसे नीचे खाने के लिए जाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place. Where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. जैसे ही वह मेज पर खड़े हुए वे सारे उपहारों के पास गया और धन्यवाद और गुड नाइट कहा। लेकिन जब वह युवती के पास आया तो युवती ने उसे यह बात साफ कर दी कि उसके पिता चाहते हैं कि उसने जो कोट पहन रखा है उसे क्रिसमस का उपहार माना जाए, वह उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तथा अगर उसे अपने क्रिसमस की शाम ऐसी जगह पर बिताना चाहे जहाँ शांति से विश्राम कर सकता है और निश्चित हो कि उसे वहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा तो वह दोबारा से आ सकता है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। आदमी जिसके पास चूहेदानी थी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वह असीम हैरानगी से उस युवती को देखता रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up in a good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. अगले दिन सुबह लोपति और उसकी बेटी क्रिसमस सर्विस में जाने के लिए जल्दी से प्रसन्नचित हो उठे और उनके मेहमान अभी तक सोया हुआ था और वे उसे तंग नहीं करना चाहते थे। इसके बाद है When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. कि जब लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस आए तो उदासी से युवती सिर नीचे करके बैठ गई। At church she had learned that one of the old crofter of the iron works had been robbed by a man
हु वेंट अराउंड सेलिंग रेट ट्रैप। उसे चर्च में मालूम हुआ कि एक बुजुर्ग किसान को एक चूहे दानी बेचने वाला आदमी लूट कर ले गया। येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड द फादर। आई ओनली वंडर हाउ मनी सिल्वर स्पूंस आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। हाँ वह अच्छा आदमी था जिसे तुमने घर पर रहने दिया था, उसके पिता ने कहा। मैं नहीं समझता कि घर में के ताक में अब तक कोई चांदी का चम्मच बचा होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। कि घर के सामने अभी गाड़ी रुकी ही थी कि लोपति ने नौकर से पूछा कि क्या वह घर में वह अजनबी अभी भी है। He added that he had heard that the church that man was a thief. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. उसके नौकर ने जवाब दिया कि वह जा चुका है और वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough so accept as a Christmas present. मतलब इसके बदले में वह एक छोटा सा बंडल दे गया है जो मिस विलियमसन क्रिसमस के उपहार के रूप में कृपया इसे स्वीकार करें। ऑनर्ड एंड नोबल मिसेस द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू अ व्यू एट वंस। कि युवती ने बंडल को खोला और जो इतनी गंदे तरीके से बंधा हुआ था उसके अंदर बंधी हुई चीज़ तुरंत ही वह देखने लगी। शी गेव अ लिटिल क्राइट ऑफ जॉय उसमें मतलब प्रसन्नता से वह चिल्लाई। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इट ले थ्री रिंकल्ड 10 नॉट्स। कि एक चूहेदानी उसके अंदर दिखाई दी जिसके अंदर 10-10 के क्रोनोर के 3 मुड़े हुए नॉट थे। एंड इन इट ले थ्री रिंकल्ड 10 नॉट्स। बट दैट वाज नॉट ऑल। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैक करेक्टर्स। चूहेदानी में एक बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में एक पत्र भी लिखा हुआ था। Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was a captain, I want to be nice to you in return as if I was a real captain, for I to do want you to be embarrassed as this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on that roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bed for poor wanderers. कि सम्मान योग्य तथा श्रेष्ठ मिस, क्योंकि पूरे दिन आपने मेरे साथ एक ऐसा अच्छा बर्ताव किया जैसा कि मैं वास्तव में कैप्टन था। बदले में मैं भी कुछ ऐसा अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ जैसा कि वास्तव में कैप्टन हूँ। क्रिसमस के इस अवसर पर मैं नहीं चाहता किसी चोर की वजह से आप परेशान हों, लेकिन यह धन आप सड़क के किनारे रहने वाले बुजुर्ग को लौटा देना जिसने घुमक्कड़ को लालच देने के लिए खिड़की की चौखट पर थैली का यह धन लटकाया हुआ था। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप इफ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टेल। यह चूहेदानी एक चूहे की तरह से क्रिसमस का उपहार है जो दुनिया की चूहेदानी में पकड़ा जाता है। उसका पालन पोषण कैप्टन के रूप में नहीं हुआ है क्योंकि इसी वजह से उसे अपने को इससे बचाने की शक्ति मिली थी। मित्रता तथा आदर के साथ लिख गया हूँ कैप्टन वॉन स्टेल। दिस इज़ योर चैप्टर एंड यू हैव टू रीड इट केयरफुली। एंड इसके बाद आपको जो इसकी एक्सरसाइज दी हुई है क्वेश्चन आंसर्स जो दिए हुए हैं प्लीज़ डू इट योरसेल्फ। ओके बाय।